हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 नोटिस जो आज आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक्सपेक्टेड मंथ देखेंगे कि कब सीजीएल 2018 हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि इसी डेट को या इसी मंथ में हो सकता है एसएससी सीजीएल। चलिए उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज क्या नोटिस आया है। तो देखिए, एक अनाउंसमेंट हुआ है कि एसएससी सीजीएल के तरफ से कि बीडर्स में प्लीज नोट दैट द कमर्शियल बीड अगेंस्ट द आरपीएफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ओपन एट द वेन्यू एंड द टाइम मेंशन बिलो। तो आज जो था, आज फाइनल होने वाला था कि आज अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि कौन किसको बीड दिया गया है, मगर आज ओपन हुआ है आपको बीडिंग के लिए। तो आज ओपन हुआ है, तो आज मतलब ओपन हुआ, दो चार दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का सीजीएल 2018 का जो एग्ज़ाम है वो कौन सा वेंडर लेने वाला है। इस तरह मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस का चांस बन रहा है, जो बैंक और रेलवे का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है, मगर टीसीएस हो सकता है। 90% चांस हो रहा है कि टीसीएस जो है हम लोग का वेंडर बनेगा और मोस्ट अच्छा भी है, क्योंकि टीसीएस का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली फेयर होता है, उसका मतलब कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का वो अच्छा है। तो टीसीएस मोस्ट प्रोबेबली, जितने जहाँ तक पता चल रहा है कि टीसीएस का सबसे ज़्यादा बीडिंग है, तो वो टीसीएस को हो सकता है वेंडर मिल जाए। और देखिए, अगर अभी सीजीएल जो 2017 था उसका डेट जो है 13 दिसंबर को पड़ा है, लास्ट हियरिंग है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तो बोला है कि 13 दिसंबर को अगर एसएससी अपना नहीं बताता है कि उसको क्या करना है, तो वो लोग अपना फैसला सुनाएंगे और वो एसएससी के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप अपना रिपोर्ट को सबमिट कीजिए और या तो अनाउंस कीजिए कि सीजीएल 2017 को कैंसिल करना है। तो अब ये तो नहीं पता चला है कि प्री होगा या फिर सिर्फ प्री मेंस दोनों होगा या सिर्फ केवल मेंस होगा, तो ये 13 दिसंबर को ही पता चलेगा। अगर 13 दिसंबर को एग्ज़ाम कैंसिल होता है और उस समय तक अगर आपको वेंडर तय हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि जनवरी में आपका सीजीएल 2017 का अगर प्री भी कैंसिल होता है, अगर सीजीएल 2017 का प्री और मेंस दोनों कैंसिल होता है, तो आप मान के चलो कि मई मतलब मई के अंत में आपका एग्ज़ाम 2018 का चालू होगा। और अगर सिर्फ मेंस कैंसिल होता है तो जनवरी में आपका मेंस होगा और फेब के लास्ट तक वो आपको टायर थर्ड भी ले लेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो आप मान के चलो कि अप्रैल के लास्ट में, एक मंथ छोड़ के अप्रैल के लास्ट में आपको सीजीएल 2018 चालू हो जाएगा। तो उससे पहले इनको लेना पड़ेगा सीपीओ। तो आप देखो, अगर रेगुलर बेसिस पर भी एग्ज़ाम लेते हैं, यदि जनवरी में यदि सिर्फ मेंस कैंसिल होता है, तो जनवरी में मेंस, उसके अगले मंथ इनको लेना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद सीपीओ, फिर सीजीएल। तो किसी हाल में भी अप्रैल से पहले तो सीजीएल नहीं हो सकता है, तो अप्रैल 2019 में सीजीएल का आपको डेट पड़ेगा। जहाँ तक और लोग भी इस बात पर सहमत है और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि हाँ अप्रैल में हो सकता है, तो आप अपने तैयारी को चालू रखिए। और जो जो मेंस का अगर तैयारी छोड़ चुके हैं, तो आप मेंस का भी तैयारी रखिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब दो तीन दिन पहले पेपर में आया भी है कि दिल्ली पुलिस में जो कॉन्स्टेबल का एसएससी के थ्रू वैकेंसी आने वाला है, वो 4.5 मतलब कि 5,000 के करीब में आ रहा है। तो वो पहली बार आ रहा है, 2010 में इतना वैकेंसी आया था, उसके बाद कॉन्स्टेबल का इतना वैकेंसी आ रहा है पहली बार। तो उससे पता चल रहा है कि हाँ, हो सकता है कि एसएससी का इलेक्शन के कारण, देखिए उसके बाद इलेक्शन के कारण हो सकता है कि आपको, देखिए मई में तो इलेक्शन है, तो मई में इलेक्शन है, तो उसके पहले इनको 2018 का या तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा कोई ना कोई एग्ज़ाम, मतलब कि या तो आपको वैकेंसी ये देंगे या फिर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक एग्ज़ाम तो ज़रूर 2018 का ये लोग ले लेंगे। तो यही है आज का नोटिस, और आप अपना कमेंट ज़रूर बोल लिखिएगा। और साथ साथ में देखिए, जो राकेश यादव का 7300 बुक है, उसको हम पूरा एक एक क्वेश्चन डाल रहे हैं और पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ए टू जेड, जितना भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। और साथ में क्वांटम कैट का जितना भी सर्वेश कुमार वर्मा का एडवांस का बिट पार्ट है, जैसे कि अलजेब्रा में जो पार्ट है एक्सरसाइज लेवल वन, उसी तरह इंसुरेशन में एक्सरसाइज लेवल वन लेवल टू, बहुत सारे मतलब कि ज्योमेट्री है लेवल वन लेवल टू, तो सारा का सारा हम ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा का एडवांस ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जल्द ही अरुण शर्मा का भी अब चालू होगा एडवांस, उसके साथ साथ सर्वेश कुमार वर्मा का अर्थमेटिक चालू होगा। थोड़ा सा बहुत सारा
प्रॉब्लम के चलते डिले हो रहा है अभी, तो अभी राकेश यादव जनरली जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, मगर आने वाले कुछ समय के बाद आपको तीनों का तीनों बुक को हम सीजीएल से पहले कंप्लीट जरूर कराएंगे, आपका राकेश यादव, उसके बाद क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा और अरुण शर्मा, तीनों का चाहे वो लेवल टू हो या लेवल थ्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तीनों का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता है कि क्वांटम कैट से इस बार जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल लगभग 55 क्वेश्चन देखिए, तीन बुक था, सर्वेश कुमार वर्मा, अरुण शर्मा, एगो नितिन का भी क्वांटम कैट आता है, तो ये तीनों बुक का जो है ये तीनों बुक से 55 से 56 क्वेश्चन हूबहू डाटा भी चेंज नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्वांटम कैट का इंपॉर्टेंट कितना बढ़ चुका है, खास करके एडवांस पार्ट में। अर्थमेटिक तो बहुत आसान आया था, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और खास करके राकेश यादव का जो प्रीवियस ईयर है ये तो प्री के लिए आपको समझ में आता है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।